हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुष्पा ब्लॉग्स। और कल दिवाली थी तो आप सब बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी रही। मेरी दिवाली तो अच्छी गई फ्रेंड्स। और आज है छोटी दिवाली, तो आपको हैप्पी दिवाली, आप सबको छोटी हैप्पी दिवाली। और सभी फ्रेंड्स बताइएगा कि आपने कितना मिठाई खाया और कितना वज़न बढ़ गया आपका। दिवाली के टाइम में अधिकतर वज़न बढ़ जाते हैं मिठाई खा खा के। मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, घर पे तो खाना ही पड़ता है। मेरा मोनो हुआ है तब से व्यू बहुत ही कम आ रहे हैं। जैसे कि एक हफ्ते में 150 व्यू हो जाते थे, वो तो अब मोनो के बाद वो भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो 80 व्यू 84 व्यू में इस तरह से अटक जाते हैं वीडियो। तो आप सब प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा तो देखिए, पूरा नहीं, फुल नहीं देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ फुल। तो कम से कम आप फुल नहीं तो कम से कम हाफ वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे व्यू बहुत कम हो रहा है। इतनी मेहनत मैंने की और मोनो के बाद बिल्कुल भी व्यू नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। फिर वीडियो बनाऊंगी, बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है मुझे। तो हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाए, वही मैं बता रही हूँ कि दिवाली के बाद यहाँ पे गुजरात में 4-5 दिन की छुट्टी रहती है और ज़्यादातर सभी जगह छुट्टी रहती है 4-5 दिन की। तो इसके लिए हमने प्लान बना लिया कि चलो घूमने चलते हैं। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ अम्बा जी का मंदिर है और उसके आगे भी जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी वहाँ जाने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगी कि उसके आगे मुझे कहाँ पर जाना है। तो ये जो अम्बा जी मंदिर है वो राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है। राजस्थान तो मैं बचपन में ही घूम चुकी हूँ बहुत पहले, तो राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है और बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है वो बिल्कुल। तो इसके लिए हमने वहीं पे जाने का प्लान किया है, क्योंकि दर्शन भी हो जाएंगे भगवान का और घूमना भी हो जाएगा। इतनी सारी तैयारियाँ करके हमें जाना पड़ता है, लेडीज़ को ही पता है कि किस तरह से हम लोग अरेंज करके सामान को जाते हैं। और मैं फ्रीज को भी अभी थोड़ा सा सामान मुझे उसमें से फ्रीज में स्टोर करती हूँ, मलाई उसको भी मुझे टाइम नहीं मिला था। 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ लेकिन मैं बना नहीं पाई हूँ, तो मैं बनाऊँगी मलाई की। मलाई का जो घी है उसको निकाल लूँगी, क्योंकि मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज को बंद करके जाऊँगी और स्विच ऑफ करके जाऊँगी। तो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो फिल्टर का मेरा कोड था वो अपने आप ही जल गया। ऐसे तो मैं स्विच को बंद करके रखती हूँ लेकिन पानी चालू ही था, तो फिर भी वो मैंने इसके लिए ऑन ऑफ नहीं किया था और फिर भी वो फट गया। तो इसके लिए कभी भी लाइट को ऑन करके मत जाना। सामान रख लिया है और सबसे पहले इसमें है खाने का सामान मैंने रखा है थोड़ा सा नाश्ते का इस बैग में। और ये जो बड़ा वाला एक बैग है इसमें मैंने ब्लैंकेट रखा है, क्योंकि जो होटल का ब्लैंकेट होता है वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है, इसके चलते मैंने घर से ही ले लिया है ब्लैंकेट। तो देख सकते हैं आप, मैंने ब्लैंकेट भी ले लिया है ताकि मुझे जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे ठंडी भी पड़ेगी, इसके लिए मैंने ब्लैंकेट ले लिया है। और वैसे भी अभी सभी जगह पे तो ठंडी पड़ ही चुकी है, गांव में और राजस्थान में सभी जगह पड़ चुकी है, सिर्फ यहाँ पे बॉम्बे और गुजरात में ठंडी नहीं है। तो इसके लिए मैंने ब्लैंकेट ले लिया, इसके लिए मैं इसको लेके ही जा रही हूँ साथ में। और होटल का मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ ब्लैंकेट। और इसमें और जहाँ मैंने बताया है फ्रेंड्स कि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे ठंडी है, तो मैंने स्वेटर वगैरह रखा है इसमें, इस बैग में मैंने स्वेटर रख लिया है। और देखिए ये छोटा सा पाउच जो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा सा क्यूट सा पाउच है ये। तो इसमें मैंने सारे जो मेकअप के सामान होते हैं बड़े बड़े डब्बे वाले, तो उसको मैंने रखा है और भी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्रीम है और कैंची है और परफ्यूम वगैरह है, इसमें मैं दिखा देती हूँ एक ही बार में आपको, बहुत सारे सामान हैं। और देखिए स्क्रब ज़रूरी है बाहर में घूमने के लिए, सनस्क्रीन और एलोवेरा जेल है। तो और भी थोड़े बहुत इस तरह से सामान हैं, रोज़ वाटर है, इसको भी मैं नाइट में हमेशा यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैं इसको साथ में ही रखती हूँ। और बोरो प्लस का पाउच और एक मैं डील ज़रूर रखती हूँ सुई धागे का, ताकि कब ज़रूरत पड़ जाए मुझे इसकी, तो इसके लिए मैं रखती हूँ कहीं भी जाती हूँ। तो शैम्पू का पाउच, क्योंकि डब्बा ले जाना बिल्कुल भी ठीक, क्योंकि डब्बा ले जाऊँगी तो ज़्यादा वज़न भी हो जाएगा उसका, इसके लिए मैं डब्बा लेके नहीं जाती हूँ। और जो क्रीम वगैरह है उसको भी मैं किस तरह से रखती हूँ आपको दिखाती हूँ बाहर में, क्योंकि गाँव जाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके जाना पड़ता है, लेकिन जब घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक मैंने ये घर पे ही आप देख सकते हैं बनाई हूँ मैं, ये देखिए ये पाउच टाइप का मैंने घर पे ही बनाया है सिलाई करके, जो कागज़ वगैरह ये सब रखते हैं ना वही वाला है।
इसमें 3-4 खाने मैंने बनाया है। देखिए कभी कभी मैं डब्बे में भी रखती हूँ, डब्बा भी लेके जाती हूँ, और इसके लिए क्योंकि 3-4 दिन की बात है तो इसके लिए मैंने यही ले लिया है। तो इस तरह से एक एक खाने में आप आराम से, इस तरह से एक खाने में मैंने बैंगल्स रख लिया और दूसरे में इयर रिंग रखा है मैंने। ये देखिए मैंने इस टाइप का इयर रिंग लिया है और इसमें गले का कुछ है, तो इस तरह से मैंने मेकअप का थोड़ा बहुत सामान इसमें डाल लिया है। ये बहुत बहुत अच्छा होता है, अलग अलग सामान भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। डब्बे में भी रखती हूँ तो सामान मिक्स हो जाते हैं, तो ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो इस तरह से बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, और सिंदूर की डब्बी है इसमें, और बॉडी लोशन तो अभी सबसे मस्ट है, बॉडी लोशन तो लगाना ही है क्योंकि ठंडी का टाइम है। तो मैंने बॉडी लोशन का जो बड़ा वाला डब्बा मैं अभी लेके आई हूँ, बिल्कुल न्यू है, तो वो मैं लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने छोटा सा डब्बे में उसको भर लिया बॉडी लोशन को, तो इतना तो काफ़ी है 4 दिन के लिए। तो कितना अच्छा हो गया, तो अगर आप कहीं पे 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से रख सकते हैं। इस तरह से पूरी मलाई को कढ़ाई में डाल दिया क्योंकि ब्लेंड करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं ब्लेंड करके भी करती हूँ और इस तरह से भी मैं मलाई को ही बना लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 6 तारीख है, तो अभी हम निकल रहे हैं और हम बस से जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम अभी बस में बैठ चुके हैं, बस उड़ने ही वाली है, अभी 9 बजे हैं और 5:30 बजे। टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज गए हैं। सुबह से बैठे बैठे मेरे तो कमर में भी दर्द हो गया है। और यहाँ पे होटल का चार्ज मत पूछिए, अभी दिवाली का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और रात काफ़ी हो गई है, तो अब हम डिनर करके आएंगे और थक चुकी हूँ तो फटाफट से अब रेस्ट करना है थोड़ा। यूट्यूब से जाके देखिए मैं जो बनाया है गाड़ी में चल रहा है। पापा, यही है होटल। तकिया वाला क्यों लीजिएगा?